अरबपतियों के बीच डाइवोर्स आमतौर पर मैसी होते हैं, लेकिन अगर आप वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर बिल ग्रॉस से पूछे तो उनके डाइवोर्स का इतना मैसी होने की भी कोई जरूरत नहीं थी कि ये प्राइवेट मैटर पब्लिक के सामने आ जाए, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो इसमें अगर लानत किसी को झेलनी पड़ी है तो वो बिल ग्रॉस ही है। अब बात अलग है कि उन्हें अपनी पत्नी से धोखा मिला है, तो ये तो वही बात हो गई कि जिसके घर चोरी हुई सजा भी उसे ही मिलेगी। कुछ ऐसा ही बिल ग्रॉस को महसूस हुआ जब वो एक पिकासो पेंटिंग को ऑक्शन बेच रहा था जो कि एक फेक पेंटिंग निकली। असल में उसकी एक्स वाइफ ने ओरिजिनल पेंटिंग को अपनी खुद की बनाई फेक पेंटिंग से रिप्लेस कर दिया था, लेकिन इस पेंटिंग के फेक होने का सच कैसे बाहर आया, तो चलिए आइए उसके बारे में जान लेते हैं। जब बिल ग्रॉस और उसकी पत्नी के बीच डाइवोर्स होने लगा तो दोनों इस पेंटिंग की कस्टडी को एक कॉइन फ्लिप से डिसाइड करने के लिए राजी हो गए थे। कॉइन फ्लिप में उसकी पत्नी जीती और उसने पिकासो पेंटिंग की कस्टडी अपने नाम ले ली। लेकिन बाद में जब बिल ग्रॉस ने उस तक ये पेंटिंग पहुंचाने के लिए अरेंजमेंट्स किए तो उसकी एक्स वाइफ ने कहा कि उसे अभी पेंटिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि ओरिजिनल पेंटिंग तो ऑलरेडी उसके पास ही है। बिल शॉक था कि एक तो मिलियन की पेंटिंग उसके हाथ से गई, ऊपर से लालच की बात ये थी कि वो पेंटिंग उसकी पत्नी ने पहले ही चुरा ली थी। और जब कोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ तो पता चला कि ये पेंटिंग उसकी पत्नी ने बहुत साल पहले ही बिल ग्रॉस के सामने ही बनाई थी और बिल ग्रॉस को फेक पेंटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन इतने बड़े इन्वेस्टर ने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी ही इस तरह से उसे धोखा दे देगी। और जिस पिकासो पेंटिंग की बात हो रही है इसकी बैक स्टोरी भी कुछ कम कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है। दरअसल पिकासो ने ये पेंटिंग 1932 में बनाई थी जिसमें उन्होंने मैरी थेरेस वॉल्टर एक 17 साल की फ्रेंच मॉडल को पेंट किया था, जिसके साथ पिकासो ने 45 साल की उम्र में रिलेशन शुरू किया था। और उस वक्त से पिकासो अपनी पहली पत्नी और 5 साल के बेटे के साथ रह रहे थे। जिस तरह से एक पेंटिंग ने मिलियनेयर कपल के डाइवोर्स केस को उलझा दिया था, हो सकता है कि कुछ ऐसा ही हमें इस बार हेरा फेरी 3 के स्टारकास्ट में किसी एक की जिंदगी की कहानी में देखने को मिल जाए। जैसे सोचिए अगर शाम इस बार हमें एक ऐसे अवतार में मिले जो अचानक से अमीर से फकीर बन गया हो और उसकी वजह होगी उसकी एक्स वाइफ और उसका मैसी डाइवोर्स। ऐसा डाइवोर्स जिसमें उसकी पत्नी ने धोखे से उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली होगी और उसे बदले में एक पेंटिंग दे दी जो कि शाम को विरासत में मिली पुश्तैनी पेंटिंग थी और जिसकी कीमत कई मिलियंस की थी। शाम पे भी इस पेंटिंग को पाकर खुश होगा, लेकिन वो ये नहीं जानता होगा कि उसकी पत्नी ने उसे नकली पेंटिंग दी है और ओरिजिनल पेंटिंग को तो वो पहले ही अपने कब्जे में कर चुकी है। शाम केस भी लड़ेगा लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा, ऊपर से पत्नी के हाथों लूटे जाने की एम्बैरेसमेंट भी उसको झेलनी पड़ेगी। तो इस तरह से एक मैसी डाइवोर्स हिस्ट्री और एक फेक पेंटिंग के साथ शाम पहुंचेगा एक चौल में जहां उसकी मुलाकात होगी राजू और बाबू भैया से, जो शाम की कहानी सुनकर इतने इमोशनल हो जाएंगे कि वो उसके लिए बदला लेने का ही प्लान बना लेंगे। और फिर होगी पेंटिंग की हेरा फेरी जर्नी की शुरुआत जो सिर्फ पेंटिंग की ही अदला बदली पर खत्म नहीं होगी, क्योंकि इस जर्नी में होगा कई सीक्रेट का खुलासा जो शाम राजू और बाबू भैया को एक पल में मालामाल करा सकता है या फिर जेल में भी पहुंच जा सकता है, क्योंकि असल में शाम को सिर्फ फेक पेंटिंग नहीं मिली थी बल्कि उसे फेक पत्नी भी मिली थी। उसकी शादी और डाइवोर्स दोनों किसी और की प्लानिंग थी, जो कि कहानी का विलन होगा जिसके पास शाम की पुश्तैनी पेंटिंग होगी और जहां से उन्हें पेंटिंग की हेरा फेरी करनी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसी कोई कहानी हमें देखने को मिलती है तो इस फिल्म को देखने में काफी मजा आने वाला है। तो आप लोग बताइए कि आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत, बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को।